अलीपुर में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद छात्राओं को दी गई श्रद्धांजलि, निकाला गया कैंडल मार्च। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलीपुर दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के पास बनी टंकी की है, जहां से आज ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ गांव के लोगों ने भी कैंडल मार्च निकाला और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिन छात्राओं की मौत हुई है उनके सम्मान में एक कैंडल मार्च निकाला, जो अलीपुर के स्वामी सरदानंद कॉलेज तक निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद, पूर्व एल्डरमैन व कई पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ गांव के लोगों ने भी इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया और शांतिपूर्वक इस कैंडल मार्च को स्वामी सरदानंद कॉलेज के बाहर ले जाकर स्थापित कर दिया गया और उस घटना में मरने वाले सभी छात्राओं को श्रद्धांजलि दी गई। सर, जो कैंडल मार्च निकाला गया है, कहां से निकाला गया है, क्या विषय था? सर, सबसे पहले तो मैं अलीपुर की शहीदी जमीन को नमन करता हूँ। उसके बाद ये जो छात्र हमारे जो बेटे हैं, भाई है और अपने माँ बाप के इकलौती संतान थी, ये इनकी जो शहादत हुए, मैं तो इनको ये नहीं कहूँगा कि वो डूब गए, नहीं, मैं ये कहूँगा इन्होंने शहादत हुई है इनकी और इनको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। उनके उसमें श्रद्धांजलि देते हुए हमने कैंडल मार्च निकाला है दिल्ली जल बोर्ड अलीपुर पानी की टंकी से और शहीद स्मारक से होते हुए आज हम श्रद्धानंद कॉलेज, क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और इसमें भी बहुत सारे छात्र ऐसे पढ़ते हैं जो यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम में जाते हैं, राजेंद्र नगर से लेकर पटेल नगर से लेकर मॉरिस नगर, हर्सल लाइन और आपका विजय नगर, सभी जगह ये कोचिंग लेते हैं। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 67 साल की उम्र होगी आज, ऐसा मैंने कभी दुर्भाग्य ऐसा नहीं देखा कि एक दिल्ली सरकार आग बंद करके सो रही है। 3 बंदे जेल में पड़े हैं, बाकी एक वो मंत्री है जो शिक्षा मंत्री, उसको यही नहीं पता तूने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और इन्होंने नगर निगम की मिलीभगत से इन्होंने एक नाले बंद कर दिए वहाँ और एकदम एक सैलाब आया पानी का, थोड़ी सी बारिश में एक ऐसा सैलाब जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उस सैलाब ने एक पूरी बेसमेंट को, जिसमें पता नहीं कितने छात्र थे, 3 इन्होंने शो किए, अब ये हम कह नहीं सकते कि उसमें कितने छात्र थे, और उनको उन्होंने उनकी जीवन लीला को लील लिया। मैं आज यहाँ अपने अलीपुर गांव की तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैं इनके सबके साथ मैंने कैंडल मार्च निकाला, शांत, बिल्कुल साइलेंट कैंडल मार्च था ये। और हम वहाँ से चले थे पानी की टंकी से, यहाँ तक आए हैं। हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उनके परिवारों को और इन बच्चों को। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा, ये भगवान, सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन ऐसी दुर्घटना ना किसी के बच्चे के साथ ना हो। देखिए, बड़े दुख का विषय है ये, बहुत दुख की बात है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम की लापरवाही की वजह से ऐसे मेधावी छात्र जो इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, 4 छात्र मारे जाते हैं, 1 करंट की वजह से और 3 डूबने की वजह से। बहुत ही लापरवाही का ये विषय है और बहुत ही निंदनीय विषय है, तो ये इसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उन छात्रों को, कि वो आज इस लापरवाही की वजह से वो आज शहीद हुए हैं, वो जो मरे हैं उनको हम अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और हम दिल्ली सरकार और नगर निगम को ये कहना चाहते हैं कि अपनी इस लापरवाही से आपने इतने मेधावी छात्रों को जो ये मारा है, ये एक तरह से हत्या है। अगर वो ऐसी लापरवाही नहीं करते तो आज वो किसी के घर का चिराग थे, वो 2 लड़कियां भी थी जिसमें 2 लड़के भी थे, वो किसी ना किसी के घर के चिराग थे बेचारे, और वो आज जा चुके हैं, उनके माँ बाप पे कितना बुरा असर पड़ा होगा, उनके माँ बाप की क्या हालत हुई होगी। तो ये हमें तो बहुत ही दुख हुआ इससे, ये सुनकर जब हमने ये बात सुनी, और आज हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनको चेताना चाहते हैं, ये जो हमारी सरकार है उनको चेताना चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही आगे कभी भी, इस तरह की घटना कभी नहीं होनी चाहिए, जिससे छात्रों का ये जो रोष ये दिल्ली में देखना पड़ रहा है उनको, ऐसे कभी ना देखना पड़े। धन्यवाद। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। ये जो राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है, हम इसकी जितनी निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि देखा है कि जिन माँ बापों ने अपना, मतलब जो है, कैसे कैसे पेट काट करके अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जो है ना इतनी दूर भेजा है, और उन बच्चों के साथ ऐसी घटना हुई है। इस सरकार को, जो दिल्ली सरकार है,
केजरीवाल सरकार है इसको सोचना चाहिए कि इतनी जो लापरवाही जो की है, जो जगह जगह जो सफाई की व्यवस्था जो बिल्कुल शर्म आ गई है, उस पर ध्यान रखते हुए और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन बच्चों के साथ न्याय हो। मैडम सोनिया यादव है और बस मैं यही कहना चाहूँगी इसके ऊपर कि सबसे पहले भगवान जी से मैं ये प्रार्थना करूँगी, भगवान जी कि जिनके साथ में ये हादसा हुआ है उनके माँ बाप को शक्ति दे और बहुत शक्ति दे, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सुख हम महसूस करते हैं तो सिर्फ अपने जितनी भी कमाई हम कमा लें, जितना भी सब कुछ कर लें, बस हम किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। उन माँ बाप ने पत्नी कहाँ से कर्जा करके कैसे करके उन बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर भेजा है, उनको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिरी कॉल कब उनसे बात हुई होगी बच्चों से, कि क्या वो पूछते हैं खाना खाया है कि नहीं, कैसे रह रहे हो कि नहीं, और उनके कानों में जब ये सूचना गई होगी कि आज उनके बच्चे के साथ में हादसा हो गया, तो ये दिल दहला देने वाला हादसा है। सिस्टम की गलती की वजह से हमारा यूथ आज ऐसे मोड़ पर आगे खड़ा हो गया है कि मैं क्या आपको बताऊँ कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रही हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरा परमात्मा जानता है कि एक बच्चे का दुख क्या होता है ये माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और दुनिया का आप चाहे लाख पैसा ला के उनके कदमों में रख दो, चाहे आप लाख उनके लिए कुछ कर दो, लेकिन हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते। बस मैं ये कहना चाहूँगी उनकी आत्मा को शांति दे और शांति दे।